दोस्तों नमस्कार। बजट 2020 कुछ ऐसा आया, मैं 2020 की बात कर रहा हूं, बजट 2020 कुछ ऐसा आया कि जिसने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट पर गाज गिरा दी। क्या गाज गिरा दी साहब? जो ऑलरेडी क्रिएटेड ट्रस्ट थे उनको भी ये कहा गया कि आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा अगर आप सेक्शन 12A या 80G में आना चाहते हैं। चलिए, पहली तो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों ऐसे ट्रस्टों की थी जो अब नए रजिस्टर हो रहे थे, तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उनको तो नया रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे पूर्व व्यवस्था सेक्शन 12AA में ले लें या नई व्यवस्था सेक्शन 12AB में ले लें। अब हुआ क्या कि बजट 2020 आने के बाद ही कोरोना पीरियड चालू हुआ और कोरोना पीरियड की वजह से ये जो डेट्स तय की गई थी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की, वो समय समय पर CBDT बढ़ाती गई। लेकिन इसमें भी कुछ गफलत हो गई कि CBDT ने लास्ट जो सर्कुलर इशू किया था उसमें उन्होंने फाइनली सेक्शन 12AB के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तो बढ़ा दी, परंतु 80G के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई नहीं, जानबूझकर नहीं बढ़ाई, आप ऐसा समझे। तो फाइनली हुआ ये दोस्तों कि पब्लिक चैरिटेबल, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स की धारा 11-12 की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, वो बहुत सारे उनमें से जेन्युइन ट्रस्ट भी उलझन में फंस गए और इस उलझन को कुछ हद तक अब रिजॉल्व करने के लिए एक नया CBDT सर्कुलर और कड़ी में जोड़ा गया। तो ये CBDT सर्कुलर क्या है, आखिर इसने ट्रस्टों को ऐसी क्या राहत दी है, जिसकी चर्चा मैं यहां पर आपके साथ करने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको, यदि आप ऐसे ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं जो किसी इस प्रकार की आयकर समस्या में उलझा हुआ है, तो एक राहत की खबर होगी। तो आगे लिए चलता हूं आपको, मैं CNO पाटिल। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि रिसेंटली CBDT एक और सर्कुलर लेकर के आई, सर्कुलर नंबर 7/2024, और मैं ये जो चर्चा आपके साथ कर रहा हूं इस वीडियो में, इसी सर्कुलर के इर्द गिर्द इससे संबंधित बातों पर करूंगा, जो कि 25 अप्रैल 2024 को CBDT, जो कि आयकर की सबसे सर्वोच्च इनकम टैक्स अथॉरिटी इंडिया में है, उसकी ओर से जारी किया गया। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट देखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A और 10AB अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग। अब आप कहेंगे अनुप जी ये फॉर्म 10A 10AB क्या होता है, तो जरा दोनों फॉर्म का एक नजरिया रखता हूं। फॉर्म 10A दोस्तों वो ट्रस्ट फाइल कर रहे थे जो ऑलरेडी इनकम टैक्स की धारा 12AA में या 80G में रजिस्टर्ड थे या अप्रूव्ड थे। ऐसे ही कुछ संस्थाएं सेक्शन 1023C क्लॉज 6 6A वगैरह में अप्रूव्ड थी, कुछ सेक्शन 35 के इंस्टीट्यूशन भी थे। तो इन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिनेंस बिल, फिनेंस एक्ट 2021 से बोला कि आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें फॉर्म 10A फाइल करना था, और ऐसे जो ट्रस्ट जो सब्सिक्वेंटली फ्रेम हुए उनको फॉर्म 10AB फाइल करना था। तो ये बेसिकली फॉर्म्स का एक क्लासिफिकेशन आपके समक्ष रखा, क्योंकि अब इसका प्रयोग हम करेंगे आगे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं इस सर्कुलर से ही, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि आपको सर्कुलर के अराउंड ही अपने डिस्कशन में लेके चलूंगा। तो इस सर्कुलर की शुरुआत में CBDT ने कहा कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफिकल्टीज रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A 10AB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म नंबर 10A अर्लियर टू 31 अगस्त 2021, देन टू 31 मार्च 2022, देन टू 25 नवंबर 2022, एंड लास्टली टू 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट थी जब तक फॉर्म 10A भरने की समयावधि बढ़ाई गई, और उन्होंने फॉर्म 10AB भरने की समयावधि भी समय समय पर बढ़ाई। लास्ट समयावधि उसकी भी 30 सितंबर 2023 तक की थी। तो अब बात समझने की क्या है कि यदि आप एक ऐसी संस्था थे जो पहले के एग्जम्पशंस में 11 एंड 12 के लिए सेक्शन 12AA या 80G के लिए 80G अप्रूवल या 1023C क्लॉज 6 6A की अप्रूवल होल्ड करते थे, और आपको री रजिस्ट्रेशन में जाना था पर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आपको 30 सितंबर 2023 तक की डेट लास्ट दी गई थी। पर अब ये सर्कुलर आपको उसी 30 सितंबर 2023 से फर्दर एक्सटेंशन देने वाला है, और CBDT ने यहां पर ये बैकग्राउंड केवल इसलिए दिया कि साहब ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बढ़ा रहे हैं, हमने पहले भी कई बार डेट्स बढ़ाई हैं। अब आ रहा हूं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंटेंट ऑफ दिस सर्कुलर पैरा नंबर 3। ये पैरा 3 में CBDT क्या बोलती है,
ऑन कंसिडरेशन ऑफ द मैटर हुआ क्या साहब, 30 सितंबर 2023 को जब लास्ट एक्सटेंशन भी खत्म हो गया, उसके बाद भी बहुत से ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जेन्युइनली फंस गए, क्योंकि उन्होंने या तो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया या रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं अप्लाई किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो 10AB में करना था, बहुत से ट्रस्ट वो भी करने से चूक गए। अब ये इतनी खतरनाक कदम था, इतनी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस चीज के, कि एक एक्रीटेड इनकम का टैक्सेशन लागू हो सकता है दोस्तों ट्रस्टों पे, जिसमें कहा गया कि आपकी जो भी एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटी, हम उस वैल्यू पर आपको सीधे 30% टैक्स लगा देंगे। तो एक तरीके से ट्रस्ट की हत्या हो गई। अब दोस्तों ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा बनाया हुआ नहीं है, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट तो भारतीय विचारधारा में बहुत पहले से, और मैं इस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझता हूं कि सारा वेलफेयर भारत सरकार अकेले नहीं कर सकती, भारत सरकार के कंधे का जो बोझ है उसको हल्का करने के लिए बहुत सी चैरिटेबल एंड रिलीजियस संस्थाएं अपने स्तर पर चैरिटेबल नेचर के पर्पजेस कैरी आउट करती हैं। तो जब सर ये ट्रस्ट अच्छा काम करते हैं, ज्यादातर ट्रस्ट मैं मानता हूं अच्छा काम करते हैं, तो भी आप उनको समयावधि में बांध बांध करके पब्लिक चैरिटेबल, पब्लिक रिलीजियस कैटेगरी से बाहर फेंकने का कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार ट्रस्टों ने अल्लाह मचाया कि साहब आपने जो लास्ट डेट थी वो लास्ट 30 सितंबर 23 तक रखी और हम तब भी नहीं कर पाए, तो अब हम कहां जाएंगे। फॉर्चुनेटली भारतवर्ष की बहुत सी आईटीएटी ट्रिब्यूनल्स ने इस विषय में फेवरेबल जजमेंट्स दिए, ये भी कहा कि हाँ साहब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर डेट निकल गई तो भी ये सर्कुलर बेनिफिशियल प्रोविजंस होते हैं, ये व्यवस्था एक नई व्यवस्था है, तो आप ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन देने पर एक्सटेंडेड टाइम लिमिट क्यों नहीं लेते, यानी आप इस ट्रस्ट को इवन बियॉन्ड एक्सपायरी भी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं अगर जेन्युइननेस है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं वजहों से सीबीडीटी का दिल पसीजा। तो सीबीडीटी कंसिडरेशन ऑफ मैटर विद अ व्यू टू अवॉइड एंड मिटिगेट जेन्युइन हार्डशिप, यानी पहली बात सीबीडीटी मानती है कि जेन्युइन हार्डशिप हुई है, द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कंफर्ड अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट हियर बाय एक्सटेंड्स द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म 10A इन केस द एप्लीकेशन अंडर क्लॉज वन ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू 1023C और अंडर क्लॉज वन सब क्लॉज वन ऑफ क्लॉज AC ऑफ सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 12A और अंडर क्लॉज वन ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 5 ऑफ ATG और इन केस ऑफ इंटीमेशन अंडर फिफ्थ प्रोविजो टू सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट टिल 30th of June 2024। सीधे सरल भाषा में बात करूं तो ये कहूंगा कि यदि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे और आपने 30 सितंबर 2023 तक री रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया, तो अब आपको 30 जून 2024 तक की बढ़ाई हुई डेट दी गई है, जब तक आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट, या मैं बोल सकता हूं सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है या कोई सोसाइटी भी हो सकती है जो कि एनजीओ है, वो सब संस्थाएं 30 जून 2024 तक फॉर्म 10A में अप्लाई अब कर सकते हैं। इसी पैरा 3 में जो इस सर्कुलर का है दोस्तों, इसका पार्ट 2 फॉर्म 10AB को डील करता है। फॉर्म 10AB किन के लिए लागू होता है? ऐसी संस्थाएं जो कि नई संस्थाएं हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। सो इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर क्लॉज 3 ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 1023C और अंडर सेक्शन 12A सब सेक्शन 1 क्लॉज AC सब क्लॉज 3 और सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 एक्सेट्रा टिल 30th of June 2024। तो मान लीजिए कोई संस्था ही बाद में बनी जो पहले से 12AB का या 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं रखती थी और उसको सीधे 12AB का रजिस्ट्रेशन लेना था, पर वो संस्था भी 30 जून 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर पाई, तो उसको भी अब 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की एक समयावधि, एक्सटेंडेड समयावधि दोस्तों यहां मिल गई है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों पैरा 4 ऑफ दिस सर्कुलर, वो क्या बोलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट एज मेंशन इन पैराग्राफ 3-2। पैराग्राफ 3-2 में किसको एक्सटेंड किया है? ऐसी संस्थाएं जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं थी और जो आप सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स फॉर्म की गई और उन्हें भी 30 सितंबर 2023 तक की लास्ट डेट मिली थी रजिस्ट्रेशन के लिए आने में। तो उन्होंने बोला इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट एज मेंशन इन पैराग्राफ 3-2 शेल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन। अब स्टेटस आज की डेट पे बात कर रहा है सर्कुलर,
आज की डेट में भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 10AB में एक एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा रखी है, तो उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होगा? उनके लिए बोला, हेंस इन द केसेस वेयर एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फंड हैज ऑपरेटेड एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB अंडर द सैड प्रोविजंस ऑन और बिफोर द इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड वेयर द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर बिफोर द इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर, पेंडिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB मे बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एप्लीकेशन। लेकिन ये व्यवस्था दोस्तों जो पैरा फोर में आ रही है वो फॉर्म 10AB के लिए आ रही है, फॉर्म 10A के लिए नहीं आ रही। यानी ऐसी संस्थाएं जो रजिस्ट्रेशन के लिए 10A भरने के लिए लाइबल थी, री रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उनकी कोई एप्लीकेशन आज की डेट में पैरा फोर से वैलिड नहीं हो रही, लेकिन नए रजिस्टर्ड संस्थाएं जिन्होंने बाद में फॉर्म 10AB भरा जो आज की डेट में पेंडिंग है और सीआईटी के समक्ष अधीन है, तो सीआईटी इस सर्कुलर का इफेक्ट दे करके उनको इस एक्सटेंडेड डेट का बेनिफिट देते हुए अब अपनी इंक्वायरी के बेसिस पर चैरिटेबल संस्था, रिलीजियस संस्था या ETG संस्था होने का रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अब बात कर रहा हूं दोस्तों पैरा फाइव ऑफ द सर्कुलर पे। वो ये कहता है, फर्दर इन केसेस वेयर एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड हैज ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB एंड वेयर प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर हैज पास्ड एन ऑर्डर रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन ऑन और बिफोर द इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर। अब हो सकता है आपने नई संस्था के रूप में 30 सितंबर 2023 के बाद में एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, और क्योंकि आपको 30 सितंबर 2023 तक अप्लाई करना था, तो नेचुरली सीआईटी ने हो सकता है आपकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस दौरान बीच में सर्कुलर था ही नहीं। तो अगर एन ऑर्डर रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन ऑन और बिफोर इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर सोली ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट एप्लीकेशन वॉज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट और दैट एप्लीकेशन हैज बीन फर्निश्ड अंडर द रॉन्ग सेक्शन कोड, इट मे फर्निश अ फ्रेश एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB विद इन द एक्सटेंडेड टाइम प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 3(2) दैट इज 30th of June 2024। यानी जिन लोगों ने 10AB 30 सितंबर के बाद भरा पर सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और सीआईटी ने इसलिए रिजेक्ट किया क्यों? क्योंकि आपने वो फॉर्म 30 सितंबर तक सबमिट नहीं किया था या आपकी एप्लीकेशन रॉन्ग सेक्शन कोड में चली गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको पुनः फॉर्म 10AB भरने का ऑप्शन 30 जून 2024 तक के लिए मिल रहा है। ये बेनिफिट इस पैरा फाइव से आता दिखता है। और दोस्तों इसी पैरा फाइव में यह भी क्लियर किया, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट इफ एन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन और फंड हु हैड फेल्ड टू फाइल फॉर्म 10A फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 विद इन द ड्यू डेट एज एक्सटेंडेड बाई CBDT सर्कुलर नंबर 6/2023 डेटेड 24th of May 2023 एंड सब्सिक्वेंटली अप्लाइड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड एंड हैज रिसीव फॉर्म 10AC, इट कैन अवेल द ऑप्शन टू सरेंडर फॉर्म 10AC एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर EY 22-23 एज एन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन और फंड इन फॉर्म 10A विद इन द एक्सटेंडेड टाइम प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 3(1) दैट इज 30th of June 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ऐसी संस्था जिसको 10A में अप्लाई करना था, यानी जो री रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही थी और उनकी ड्यू डेट री रजिस्ट्रेशन के लिए सपोज निकल गई थी इस पर्टिकुलर CBDT सर्कुलर नंबर 6/2023 से, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ट्रस्टों ने क्या किया? बोला जी कोई बात नहीं, अब हम फॉर्म 10A नहीं अप्लाई करते, अब हम 10AB में अप्लाई कर देते हैं। और उन्होंने 10AB अप्लाई करके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10AC में अवेल कर लिया। तो ये सर्कुलर कह रहा है कि ठीक है आप काम करिए, अब आप अपना वो वाला फॉर्म 10AC जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमने दे दिया वो सरेंडर कर दीजिए और अब आप वापस से फाइनल रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए 30 जून 2024 तक, तो हम आपको असेसमेंट ईयर 22-23 से, मेरी जो व्याख्या है यहां पर, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर EY 22-23 एज एन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट। तो ये तो सर बैकडेटेड कुछ इफेक्ट मुझे आता दिख रहा है। EY 22-23 से भी आपको पीछे जाकर के भारत सरकार एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A की वजह से 10AC में जारी कर देगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डील कर रहा हूं, व्हाट अबाउट दोज ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हुज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन अदर ग्राउंड्स। आप बोले भाटिया जी समझे नहीं, थोड़ा इसे एलिब्रेट करिए। देखिए इसको ऐसा रखता हूं कि ट्रस्टों ने जब एप्लीकेशन फाइल करी फॉर्म 10A के अंदर या 10AB के अंदर भी, तो बहुत सी बार ये भी हुआ
कि फॉर एन एग्जाम्पल न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा कि साहब आपको स्टेट चैरिटी कमिश्नर के पास भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जब हम सीआईटी के पास में रजिस्ट्रेशन लेने गए, चाहे फॉर्म 10A की वजह से या 10AB की वजह से, तो सीआईटी ने बोला भाटिया जी आपके पास देवस्थान का तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा। ये बहुत एक क्रूर निर्णय हुआ, क्यों है ना मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से ट्रस्टों को नुकसान ऑल इंडिया बेसिस पर बहुत व्यापक हुआ है। और फिर मैं इस तरीके के जजमेंट्स के है ना लिए यही कह सकता हूं कि इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। चलिए जो भी हुआ, अब चाहे ये रीजन था चाहे है ना किसी वजह से हम रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए तो हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई रिलीफ मुझे इस पर्टिकुलर सर्कुलर से प्राइमा फेसाई तो नहीं दिखती। पर हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि उन सारे केसेस में जहां पर ऑलरेडी एक एप्लीकेशन हमारी थी और ऑर्डर रिजेक्शन का पास हुआ, तो हम ऑलरेडी ITAT में चले गए या चले जाएं और ITAT के थ्रू रिलीफ लेते हुए वापस CIT के पास में आए कि साहब हमें रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ऐसा ITAT ऑर्डर करेगी नहीं करेगी वो ITAT का डिस्क्रिशन, प्रोवाइडेड वो आपके केस के फैक्ट से संतुष्ट होंगे, आप जेन्युइन हैं। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसी सारी संस्थाएं जिनका फॉर्म 10A या 10AB किसी भी वजह से रिजेक्ट हुआ तो वो सीधे ही अब वापस से जंप कर जाए इस नई व्यवस्था का फायदा उठाए। प्राइमा फेसा ये कह सकता हूं कि आपको उठाना तो चाहिए साहब, जब आपको नई व्यवस्था मिल रही है उसका बेनिफिट उठाएं। लेकिन वो समस्त संस्थाएं जो 10A के अंदर जाने के लिए लाइबल थी और जिनका 10A किसी अदर रीजन से रिजेक्ट हुआ, अदर रीजन का मतलब क्या है कि आपने कॉपरेट नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, या आप देवस्थान विभाग का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं दे पाए, चैरिटी कमिश्नर का रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो आपको ITAT के थ्रू ही लड़ते हुए री रजिस्ट्रेशन लेने आना है। बाकी के केसेस में आपको यदि लगता है तो आप फिर इस सर्कुलर का बेनिफिट लेते हुए एक फॉर्म 10A 10AB भी अप्लाई कर सकते हैं। या देखिए दोस्तों, कुछ सजेशन या पॉइंटर्स जिन पर अभी भी मैं नहीं कहता कि मुझे प्रॉपर हल मिल गया है या मैं अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है मेरे से भी कुछ और बढ़िया कंसल्टेंट्स हैं जो यहां पर अपनी राय जोड़ सकते हैं, चाहे कमेंट्स के रूप में जोड़ें ताकि हम सबका बेनिफिट हो। मेरा पर्पज यहां पर यही है कि हम कोई ऐसी क्लैरिटी बनाने की कोशिश करें जिससे ओवरऑल ट्रस्टों का बेनिफिट हो। तो पहला पॉइंट, नो डिस्कशन ऑन पावर ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले इन जेन्युइन केसेस टू ज्यूरिसडिक्शन सीआईटी एग्जम्पशन। जो सीबीडीटी लगातार गलती कर रही है दोस्तों मेरी ओपिनियन में, कि वो सेक्शन 119 में डिले कंडोनेशन की पावर रखती है खुद के लिए भी और डेलीगेट करने की पावर सीबीडीटी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है, और कोई भी पावर सीआईटी एग्जम्पशन को, जो कि एग्जम्पशन के मामलों में, चैरिटेबल ट्रस्टों के मामले में, रिलीजियस ट्रस्टों के मामले में एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देने का, फॉर्म 10AC जारी करने का राइट रखते हैं, उन्हें अपनी पावर टू डिले कंडोनेशन किसी भी परिस्थिति में डाइल्यूट करने को तैयार नहीं है। इस सर्कुलर से भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ एग्जम्पशन इन द मीनवाइल पीरियड? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया कि साहब चलिए मान लीजिए मैंने री रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया अनूप जी, या मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया, आप मेरे को 30 जून 2023 दे रहे हैं, मैं 30 जून 2023 तक कर दूंगा, सॉरी 30 जून 2024 तक अप्लाई कर दूंगा, तो 30 जून 2024 यानी वित्त वर्ष 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, तो व्हाट अबाउट द प्रिसीडिंग ईयर्स? उस पर भी सर्कुलर साइलेंट है। तो साइलेंट है तो एक इंटरप्रिटेशन तो बनती है कि साहब जब मुझे सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन मिल गया तो पीछे भी बेनिफिट दीजिए, पर मेरी इस इंटरप्रिटेशन को डिपार्टमेंट मानेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। वुड इट बी अ लास्ट अपॉर्चुनिटी? फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि साहब चलिए 30 जून 2024 तो हो गई डेट, पर क्या ये अंतिम अपॉर्चुनिटी होगी? क्या क्या सीबीडीटी इसके बाद डेट नहीं बढ़ा सकती? मैं मानता हूं साहब सीबीडीटी बॉस है, उसके पास हमेशा पावर है कि वो डेट बढ़ाए, लेकिन आप मेरे इस मैसेज को ऐसे मत लीजिए कि ये डेट भी बढ़ेगी। आप तो ये मानिए कि ये साहब अंतिम अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर प्रयोग कर लीजिए। यदि आप एक फ्रेश ऑर्गेनाइज, फ्रेश क्रिएटेड संस्था है तो भी, या आप री रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे और आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया तो भी सर। इंपैक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये जजमेंट जिसका मैंने पहले भी यहां पर एक हवाला लिया, इस जजमेंट ने पूरे भारतवर्ष में खलबली मचा दी चैरिटेबल ट्रस्टों के केस में,
रिलीजियस ट्रस्ट के केस में कि जहां पर आपके लोकल चैरिटी कमिश्नर से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सीआईटी एग्जम्पशन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने में आया है। मेरे हिसाब से ये प्रावधान बहुत कड़ा प्रावधान आ गया जिसका ट्रस्टों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब नेचुरली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बात से हटेगी नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कभी किसी और केस में रिव्यू ना कर ले, क्योंकि इस केस को भी यदि आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बहुत सारे केसेस को पलट दिया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को किस दिन भविष्य में पलटे, लेकिन जब तक नहीं पलटती तब तक भारत सरकार यानी भारत की संसद के पास ये राइट है कि वो इस तरीके के किसी प्रावधान को चेंज करें। परंतु वर्तमान में तो संसद ऑपरेशन में नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो जब सरकार बनेगी नहीं और तब वो क्या विधेयक ला पाती है, इस विषय को समझते हुए मेरा काम न केवल यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञानवर्धन करना है, मुझे लगता है कि अगर कोई इशू है जिससे असेसीज एट लार्ज प्रभावित हो रहे हैं उसकी वॉइस भी मैं यहाँ पर उठाऊं। फाइनली दोस्तों मैं कह सकता हूं कि सीबीडीटी का दिल पसीजा एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि बहुत से ट्रस्ट ऑलरेडी इस तरीके के मैटर्स में ऑलरेडी सीआईटी एग्जम्पशंस के ऑर्डर्स के विरुद्ध आईटीएटी में अपीलों में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक रिलीफ यहां पर मिलेगी और जिन्हें अभी भी नहीं रिलीफ मिलती किसी प्रकार से तो उनके लिए भी कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीडीटी को इतनी लेट डिसीजन लेने की जगह थोड़ा और जल्दी अपना इस डिसीजन को लेना चाहिए था। चलिए अंत में यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।